यस, गुड मॉर्निंग बेटा. लेट्स स्टार्ट विद द टर्म टू सिलेबस. फर्स्ट चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. यस, लुक हियर. लुक हियर, विच सॉलिड शेप दिस बुक इज हैविंग? क्यूबॉइड. देखो इधर, इसके कितने फेसेस हैं? सिक्स. 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. ठीक है, 6 फेसेस हैं. हर सरफेस का एरिया फाइंड करना है. जैसे ये है लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे ही इसका भी लेंथ इनटू इसका. ये क्या है लेंथ इनटू हाइट. ये भी लेंथ इनटू हाइट और इसका ब्रेथ इनटू हाइट. ब्रेथ इनटू हाइट. तो ये जो सॉलिड शेप है आपकी, इसका नेम आपने क्यूबॉइड बोला है. जैसे रूम है, इस टाइम हम रूम में हैं, तो ये जो रूम है ये भी 3D शेप है एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड. तो इसमें आपने तीन चीजें डिस्कस करनी है क्यूबॉइड के केस में. एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम. बता सकते हो फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का? कर्व्ड मींस एरिया ऑफ फोर वॉल्स. टू एल प्लस बी इंटू एच. ये किया हुआ है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, याद है? एरिया ऑफ फोर वॉल्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है. ये ऐसे नहीं रिस्पॉन्स दिया करो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्लास की यही है कि रिस्पॉन्स ही नहीं आता. कम से कम हाँ ना कुछ तो बोलो. एरिया ऑफ फोर वॉल्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उसी को ही कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. अगर यहाँ पे इसके साथ आ जाए एरिया ऑफ फोर वॉल्स तो सेम है. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज 2LB प्लस BH प्लस HL. ये कैसे है? आपको अभी एग्जांपल दिया बुक का, इसमें इसका एरिया एल इंटू बी है, इसका एरिया भी एल इंटू बी है, तो डबल हो गया LB LB दो बार. ऐसे इसका एरिया बी इंटू एच है, इसका एरिया बी इंटू एच है. ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो बी इंटू एच तो डबल हो गया. तो ये डबल हो गया, LB का भी डबल, BH का भी डबल, HL का भी डबल, सबका डबल. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया टोटल मींस सारे 6 सरफेस. लेकिन कर्व्ड का मतलब होता है 4 सरफेस, टॉप और बॉटम नहीं, सिर्फ 4 सरफेस. लाइक इस रूम की 4 वॉल्स. ठीक है, तो ये जो ये सीलिंग है ना, ये वॉल्स में नहीं आती, ये सीलिंग है. ये 4 वॉल्स है और ये नीचे तो पेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका एरिया भी काउंट नहीं होता. इसका पेंट और ये पेंट डिफरेंट होता है ना, ये सीलिंग का पेंट अलग आता है, ये पेंट वॉल का अलग आता है. तो जब एरिया ऑफ फोर वॉल्स की बात करते हैं तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आता है. ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बता सकते हो? LBH. वॉल्यूम इज LBH. ठीक है, नोट करो इसे. इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्यूब, टोटल सरफेस एरिया. TSA इज टोटल सरफेस एरिया, CSA इज कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड वी हैव वन अनदर नेम फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हो. नेक्स्ट इज योर क्यूब. नेक्स्ट इज क्यूब. अब जो क्यूब है ना, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए क्यूबॉइड. क्यूब इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए क्यूबॉइड विद स्पेशल प्रॉपर्टी हूज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सेम. क्यूबॉइड जो क्यूब है ये भी एक तरह का क्यूबॉइड ही है, बट एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है जो तीनों सेम हो जाती है तो क्यूब बन जाता है. ठीक है, इसका मतलब सारा कुछ सेम है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है. मतलब इसकी जगह ए ले लोगे आप, इसमें ए लेते हैं ना साइड, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल भी ले सकते हो. ठीक है, आपकी मर्जी है. अब इसका
कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो इधर, अगर आप यहाँ पे ए और ए, यहाँ पर भी ए पुट करते हो, क्या आ जाएगा? 4a² लिख के दिखाएं, ट्वाइस सेम, एल की जगह ए, बी की जगह पे भी ए और एच की जगह पे भी ए। ए प्लस ए कितना हो गया? 2 2s, a into a's, समझ आ गई? तो सेम ही है, जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाते हैं तो क्यूब बन जाता है। गॉट इट? ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? देखो इधर, कर्व्ड सरफेस एरिया में 4 balls थी इसलिए 4 आ गया। एक और तरीका भी है, तो ये की है ना, एक तरीका और भी तो है। देखो इधर, जो क्यूब होता है इसमें क्या होता है, ये सारे सरफेस इसके सेम है, ये स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर हो गया। अगर आप साइड को ए ले रहे हो तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर हो गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड में ये नहीं लेना, 4 balls लेनी है, 1 2, एक पीछे वाली और एक ये, 4 balls लेनी है। एक का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो 4 balls का एरिया क्या होगा? 4, तो ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया सपोज करो हम रूम में है, क्यूब शेप का है, 4 walls का एरिया 4a², ऊपर वाले का एरिया ए स्क्वायर, बॉटम का एरिया ए स्क्वायर, टोटल कितने हो गए? 6 faces हो गए। एक का एरिया ए स्क्वायर है तो 6 faces का एरिया क्या आ गया? और अगर आप यहां पुट करना चाहो तो कर सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a² हो गया, 2 3 का क्या बन गया? 6। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ वॉल्यूम पे, वॉल्यूम बता सकते हो? सारे सेम है, ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, आप उठ के इधर आओ, इधर आओ, दिमाग उस तरफ चले जाओ, जयदेव के आगे। क्लियर है ये? एनी डाउट? अगर आप चीजें ध्यान से कंसेंट्रेशन से एक बार समझ लेते हो तो आप खुद फॉर्मूला बना सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ध्यान से सुनना है और आज इसको घर जाके रिकॉल करना, और आप में से ही कल कोई आके ये सारा कुछ यहीं पे एक्सप्लेन करेगा। आप में से किसी ना किसी की टर्न आएगी, एक एक फॉर्मूला आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे आया। ठीक है, जो मैंने बताया आपने ये बताना है कल आके। ये क्लियर है? ये हो गया क्यूब और क्यूबॉइड। अब आ जाओ कोन पे, और भी बहुत सारे हैं, जो जो लाइन वाइज आएगा वो कर लेते हैं। कोन पहले कर लेते हैं, नेक्स्ट इज कोन। अब देखो इधर, पहले कोन की फिगर को समझो। ये जो कोन है ना, इसका क्या मीनिंग होता है? जो इसका वर्टेक्स है, स्टॉप राइटिंग, सुनो पहले, ये जो वर्टेक्स है ना, ये बेस के साथ ना परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, जैसे आप टेंट देख लो, आप टेंट होता है, टेंट का जो वर्टेक्स होता है आप वैसे ही इमेजिन करो, देखो इधर, अगर हम कोन की बात करते हैं, ये जो वर्टेक्स है आपके सामने, अंदर तो कोई लाइन नहीं होती लेकिन इमेजिनरी लाइन होती है जो वर्टेक्स से यहाँ पे बेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, तभी टेंट खड़ा होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई सपोर्ट देंगे तभी उसका ये वर्टेक्स स्ट्रेट होगा और वो स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा।
तो यहाँ पे बीच में एक रोप लगाते हैं, पता ही होगा आपको, पोल टाइप लगाते हैं ताकि ये इसको टेंट को हेल्प मिल जाए स्टैंड करने के लिए। तो जो पोल बीच में लगाते हैं ना वो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जब वो परपेंडिकुलर होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इसकी स्लांट हाइट है, मतलब ये इसकी स्लांट हाइट है, दैट इज एल। जो हाइट बीच में परपेंडिकुलर है दैट इज एच। और जो ये बेस है दिस इज द, ये क्या है, यहां से लाइन, ये बीच में क्या है, सर्कल। ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल है ना, और सर्कल का सेंटर वाले पॉइंट के साथ जितना भी डिस्टेंस होता है वो सारा क्या होता है, रेडियस। तो ये जो लाइन बनेगी ये क्या होगी, चाहे वो कहीं से भी ले लो, इधर से, इधर से, इधर से, सारी जगह से रेडियस होगी वो। लेकिन अभी हम बात जिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, तो ये क्या बन गई, रेडियस, ठीक है, क्लियर है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मैंने क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या लगाया है। तो यहां से स्लांट हाइट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपके पास हाइट दी हो, रेडियस दिया हो, तो यू कैन फाइंड द स्लांट हाइट। और अगर एल दिया हुआ है, स्लांट हाइट, रेडियस दिया हुआ, तो आप हाइट निकाल सकते हो। मतलब इन तीनों चीजों में से कोई भी मिसिंग है तो आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये भी यूज कर सकते हो, हाँ, कोण में अप्लाई होगा क्योंकि कोण में ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अभी सिलेंडर की बात करेंगे लेकिन वहां राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता, सिर्फ इसमें बनता है, इसलिए ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। अभी आ गई स्लांट हाइट। अब हम बात कर रहे हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता सकते हो, पाई आर एल। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का दूसरा नेम है लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया, बता सकते हो। अब सुनो इधर, देखो इधर, इधर देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जो ये बाहर वाला दिख रहा है, एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस की बात नहीं करते, कर्व्ड मींस जो सिर्फ कर्व्ड पोर्शन में, मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर वाला, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल में क्या होता है, कर्व्ड प्लस बेस। टोटल में क्या होता है, जैसे आपके सामने क्यूबॉइड था, तो क्यूबॉइड में क्या किया था, कर्व्ड लिया था, मतलब फोर वॉल और ऊपर और टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही यहां पर क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई, कौन बोला था अभी, टू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से पाई आर कॉमन आ रहा है ना, पाई आर, इधर से बच गया एल, इधर से बच गया आर, तो ये फॉर्मूला लर्न करना, ये हो गया। ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको सुटेबल लगे, वैसे ये लेना चाहिए क्योंकि कॉमन लेके इजी हो जाता है ना, ये आ जाएगा। अब आ जाओ वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है इसका एक एक्टिविटी है, ध्यान से सुनो। आपके पास एक कोन है, जितनी इसकी हाइट है उतने ही हाइट और रेडियस का एक सिलेंडर है आपके पास। ये मैं आपको एक रिलेशन बता रही हूँ लर्न करने के लिए। जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इस सिलेंडर की हाइट है, जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका रेडियस है, ऐसे। ये हाइट, हाइट मतलब सेंटर वाले पॉइंट से सेंटर वाले पॉइंट तक, और ये रेडियस है आर, जितना रेडियस इसका था उतना। अगर इस कोन में सैंड फिल कर ले, इस कोन में सैंड फिल कर ले और इसमें डाल दें, तो तीन बार कोन को फिल करके जब आप इसमें डालोगे, पहले फर्स्ट टाइम डाला फिर सेकंड टाइम, तो ये कोन पूरा, ये सिलेंडर पूरा फिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, इसको इसमें सैंड एक बार फिल करी इसमें डाल दी, फिर दोबारा फिल करी इसमें डाल दी, फिर तीसरी बार फिल करी इसमें डाल दी, इसका क्या मीनिंग है, दोनों का क्या रिलेशन होगा। हाँ जी बिल्कुल, जो इसका मतलब ये है कि अगर कोन के वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो
तो सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाएगा, बन जाएगा। मैंने आपको मतलब इसमें तीन बार सैंड फिल करी और इसमें डालते गए तो सिलेंडर पूरा फिल हो गया सैंड से। इसका मतलब ये कोन के वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, जितना उसके अंदर कैपेसिटी है, जितनी उसकी मतलब जितनी इसके अंदर सैंड आ सकती है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितना इसके अंदर मटेरियल आ सकता है। तो आपने एक बार सैंड फिल करी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और तीनों बार ही वो सैंड आपने इस सिलेंडर में डाल दी और ये फिल हो गया पूरा ऊपर तक। इसका मतलब अगर आप कोन के वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका मतलब एक और मतलब है इस बात का, सिलेंडर का वॉल्यूम इसका 3 times है तो इसका वॉल्यूम इसका क्या होगा, डिवाइड बाय 3, 1/3, जिसे कहते हैं 1/3। तो ये लर्न करना है आपने कि कोन का वॉल्यूम जो है वो इसका 1/3 है। कोई आपसे रिलेशन पूछ ले तो यही रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्लियर है। और सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो 3 times है वॉल्यूम ऑफ कोन के। मैं आपको ये लिखवा दूंगी, अभी आपने लर्न करना है। तो इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 πr². अब आपको एक चीज और बताएं, इधर ध्यान से सुनना, ये भी लर्न करने के लिए है। अगर आपको कई बार लिखने के बाद डाउट हो जाए कि मुझे ये नहीं याद आ रहा कि ये वॉल्यूम है कि सरफेस एरिया है, तो देखा जा सकता है कैसे। यहाँ पे r की पावर 1 है वेरिएबल, l की पावर 1 है, तो टोटल पावर हो गई 2। और एरिया हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे पावर 2 आ रही है। यहाँ देखो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ये नंबर में कंबाइन हो जाएंगे, इसकी r की पावर 1 और जब इसको कंबाइन कर दोगे इसकी पावर 1, तो दोनों कितनी होगी, यहाँ देखो h की पावर 1 यहाँ r की पावर 2, टोटल कितनी होगी। तो वॉल्यूम की पावर हमेशा 3 होती है और एरिया की पावर हमेशा 2 आती है। कभी डाउट हो जाए तो आप देख सकते हो, किसी ने भी चेक कर सकते हो, सब में ऐसे होगा। ये देखो वॉल्यूम में पावर 3 है, एरिया में 2 है, एरिया में 2 है, ठीक है, क्लियर है ये। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला है, ये कर्व सरफेस एरिया का, ये टोटल का, ये वॉल्यूम, ये लिख लो, इसके बाद सिलेंडर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सिलेंडर, वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया, वॉल्यूम क्या होगा, देखो इधर वॉल्यूम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया इसका वॉल्यूम जो है वो 3 times होता है वॉल्यूम ऑफ कोन के। कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 πr² है, ये बताया। वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका 3 times कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ये देखो मैंने 3 times कर दिया, 3 times कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल, वॉल्यूम क्या बन गया, πr² h, क्लियर, ठीक है। तो आपने लर्न करना है सीधा, मैंने आपको रिलेशन बताया है लेकिन आपने लर्न करना है ये वाला फॉर्मूला सीधा, πr² h, ठीक है। रिलेशन आपसे कोई पूछ सकता है इसलिए बताया है, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला ये है πr² h। ये लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आ जाओ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे, क्या होगा, 2πr h, पावर चेक करो, r की पावर 1, h की पावर 1, पावर होगी 2, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल मैंने आपको अभी बताया है, बेस भी लेना है और टॉप भी लेना है। देखो इधर जैसे आप सिलेंडर लेते हो, ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πr h प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप सर्कल है बॉटम भी सर्कल है, सर्कल का एरिया πr² πr² तो ऐड कर देंगे, किसमें ऐड कर देंगे, कर्व्ड में,
ये हो गया कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, आर प्लस एच, एच प्लस आर एक ही बात है, पर पहले एच है तो पहले लिख लो। क्लियर है? ये लर्न अपने आप को, जब आप एक बार अपने आप को एक्सप्लेन कर लोगे ना तो आपको लर्न हो जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे, हो जाएंगे। फिगर बना के अपने आप को समझाओ, ये जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप फिगर ड्रॉ करके अपने आप को फिर से समझाओ एक बार, हो जाएंगे बस। ठीक है, फिगर जो अच्छे से समझ लेगा ना उसको क्वेश्चन समझ आएंगे, फॉर्मूले अपने आप बना लोगे आप। ठीक है, कर्व्ड याद कर लेना है बस, कर्व्ड मेन है, कर्व्ड से ही टोटल बनना है, फिर वॉल्यूम पता लगना है आपको। नेक्स्ट इज रेडियस, रेडियस लिखा है आर। अब सब्जेक्टिव है, अब ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड सब कुछ लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये फॉर्मूले का लर्न होने चाहिए सबको, विद फिगर एक्सप्लेन करना है आपने यहाँ आके। अब आ जाओ स्फीयर पे। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर वो हेमिस्फीयर होता है। स्फीयर, बॉल, अर्थ, मून, ये सारे क्या है? स्फीयर है, स्फीयर है ना शेप, ग्लोब हो गया जो आपका, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बॉल का, फुटबॉल का या सिंपल बॉल का कर्व्ड सरफेस एरिया। बोलो क्या होगा? क्या होगा बोलो? देखो आपकी बुक में है, टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 223 पे। अब देखो इधर, बॉल जो है वो क्लोज है, एक ही सरफेस है उसका बाहर से, वो है कर्व्ड। बॉल कर्व्ड है ना, बॉल का फ्लैट सरफेस तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होंगे। वैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। अब बॉल जो है वो पूरी क्लोज है, उसके ऊपर भी कुछ फ्लैट नहीं है, नीचे भी नहीं है, इसका मतलब जो उसका कर्व्ड है वही टोटल है। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम होगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 πr³। 4/3 πr³। देखो इधर, वॉल्यूम में पावर 3 होती है, यहाँ रेडियस की पावर 3 है, एरिया में पावर 2 होती है, आर की पावर 2 है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो डिपेंड करता है एज पर द गिवन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग आप देखो। नहीं दिया तो यूनिट्स लिख देना बस, यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्यूब। ये क्लियर है, सबसे इजी इसके फॉर्मूले, क्योंकि छोटे से दो ही है बस। अब आ जाओ, बॉल है, बॉल को सेंटर में से कट कर दिया, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर जो है बॉल को सेंटर से कट कर दिया, तो बॉल का ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल का हाफ, दैट इज 2 πr² अब आ जाओ टोटल सरफेस एरिया पे, टोटल में क्या आएगा? बेस भी आएगा, टोटल में क्या आएगा? बेस भी आएगा, टॉप भी आएगा, टॉप तो है ही है कर्व, प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब जब आप एक्चुअली ये कौन सी बॉल की बात कर रहे हैं? सॉलिड बॉल की, अंदर से एम्प्टी नहीं है, सॉलिड है ये, जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना सारी चीजें, ये सॉलिड है। हम सॉलिड 3D शेप जो लेते हैं वो सॉलिड में लेते हैं, अगर एम्प्टी चीज दे रखी होगी तो अलग बात है, क्वेश्चन में दिया होगा एक एम्प्टी बॉक्स है तो वो दिए होंगे क्वेश्चन में, अभी हम सब कुछ सॉलिड लेके चल रहे हैं। बॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अंदर से फिल है, जब आप उसको सेंटर से कट करोगे और जब आप उसको ऐसे देखोगे तो वो यहाँ सेंटर से फिल है, खाली नहीं है, तो उसका यहाँ पे सर्कल आएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें टोटल में क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया?
अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, जितना था वॉल्यूम उसका हाफ, 4/3 का हाफ करोगे तो क्या आएगा 2/3, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है। नोटबुक कहाँ है रफ आपकी, फेयर नोटबुक कहाँ है, कि जितना भी काम है आप साथ साथ अपना काम कंप्लीट करो, नोटबुक लेकर आओ, कौन सी, हाँ जी कल से सबके पास होनी चाहिए, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये सारा कुछ फेयर में इंट्रोडक्शन में लिखना है, लिख के ले आना कल नोटबुक, और साथ साथ मेरे साथ काम कर लेना यहीं पे, और जो होमवर्क मिलेगा डेली रफ नोटबुक पे करके सम्स यहाँ लेके आने में चेक करूंगी, जो जितने सम क्लास में हुए, 4 हुए 5 हुए 6 हुए, वो डेली घर जाके होमवर्क में करने हैं, क्योंकि आपने मेरे सामने यहीं से काम नोट कर लिया तो आपने प्रैक्टिस क्या की फिर, तो जितने भी सम्स होंगे वो घर जाके करके नोटबुक लेकर आनी है, ठीक है। मैं किसी भी दिन किसी की भी नोटबुक देख सकती हूँ, एक दो स्टूडेंट की तो मैं डेली अपने आप देखूंगी, लेकर आना नोटबुक साथ में, क्लियर है। तो जितने सम्स होंगे वो डेली प्रैक्टिस में करने हैं, होमवर्क नहीं पूछना, आपको पता ही है जो करवा दिए उसमें कर लो, जो डेली हो रहे हैं काम, और जो होमवर्क है वो सारा रफ पे, सारे क्वेश्चन 4-5 जितने भी पर डे काम होगा वो नोट, घर जाके प्रैक्टिस करनी ही करनी है उसको सारे यहीं पे, ठीक है, क्लियर है। ये कुछ पूछना है इसमें से, कुछ अभी एक आधा टॉपिक शायद रहता है, फ्रस्टम है वो लास्ट में है, तो वो अभी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम तो डिलीट हो गया था, तो अगर अभी भी डिलीट होगा तो रहने देंगे, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, बाकी यही है, मतलब ये सब कुछ तो आपने, आपकी जो फिगर्स है सारी फेमिलियर है, आपने कभी ना कभी सुनी है, लेकिन जो फ्रस्टम का टॉपिक है वो लास्ट है, वो आपने कभी नहीं किया। उसका एग्जाम्पल है बकेट होती है ना घर में, ऊपर से भी होता है सर्कल, नीचे से भी, लेकिन विड्थ अलग होती है, तो वो फ्रस्टम का एग्जाम्पल है, वो देखेंगे है कि नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होगा, डिलीटेड था लास्ट।